मस्जिद परिचय इफ्तार पार्टी का कार्यक्रम किया गया था, इसमें हर धर्म हर समाज के लोगों को बुलाया गया था और ये कार्यक्रम मस्जिद के जितने भी मुस्लिम बांधव हमारे हैं उन सबों ने इसको आयोजित किया। इसका उद्देश्य ये था कि रोज़ा क्या होता है, अजान क्यों दी जाती है और इस पवित्र महीने के अंदर क्या पुण्य का काम किए जाते हैं, इस पर बात की गई है। जैसे रोज़े का सबसे महान उद्देश्य ये है कि हम गरीबों की सेवा करें, हमारे दिल के अंदर मालिक का भय आ जाए और हम दान प्रदान करें। और मस्जिद के अंदर ये होता है, बहुत से लोगों के दिलों में गलतफहमी होती है कि अल्लाह अकबर के माना क्या है, अल्लाह अकबर की मीनिंग क्या है। तो यहाँ के जो आयोजक थे और जो स्पीकर थे उन्होंने बताया कि अल्लाह अकबर की मीनिंग होती है ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है। एक एक वर्ड अरबी में, हिंदी में, हर एक चीज़ को साफ साफ क्लियर किया और कई लोगों ने यह कहा कि हमारे दिलों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी गैर समझता, वो आज क्लियर हुआ है। इसी तरह नमाज हम लोग कैसी पढ़ते हैं, तो मगरिब की जो सूरज डूबने के बाद जो नमाज़ होती है, जो पूजा होती है, तो सबों ने कुर्सी पर बैठकर आज देखा है कि नमाज कैसी पढ़ी जाती है। मस्जिद के अंदर किसी तरह के कोई आकार, किसी तरह के कोई फ़ोटो, कोई ऐसा दान प्रदान नहीं होता है, बल्कि एक ईश्वर पूजा की, एक ईश्वर मालिक की उपासना की वंदना बात होती है, जो हम सबका कर्ता कर्विता रचिता मालिक ईश्वर है उसकी बात होती है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपने इंटरव्यू दिए, इससे हम लोगों भी बहुत अच्छा लगा और हमारी कोशिश ये है कि इससे लोगों के गैर समाज दूर हो और सब प्रेम एकता के साथ रहे, यही इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मैं अपने सभी देशवासियों से सबसे विनती करता हूँ कि हम करीब आएंगे तो एक दूसरे को समझेंगे और हमारा गैर समाज दूर होगा, क्योंकि हम सब एक है, हम सब का मालिक भी है, एक ही जय, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। स्टार्ट रमजानच्या या पवित्र महिन्यामध्ये आज खामगाव शहरातील शौकत कॉलनी मस्जिदमध्ये रमजान निमित्त इफ्तार रोजा इफ्तार पार्टीचं या ठिकाणी आयोजन करण्यात आलं होतं आणि या निमित्ताने मुस्लिम समाजाच्या वतीने या पवित्र महिन्यात जे रोजे ठेवले जातात त्याबद्दल, तसेच नमाज, अजान आणि कुराण याबद्दल आज मस्जिदमध्ये इत्यंभूत माहिती ही सर्व धर्मीय लोकांना या ठिकाणी देण्यात आली। या कार्यक्रमाकरता शहरातील भागातील सर्व धर्माचे व सर्व समाजाचे लोक या ठिकाणी उपस्थित होते आणि या कार्यक्रमाचं वैशिष्ट्य असं आहे की आज या ठिकाणी सर्व धर्माचा युवा वर्ग खूप मोठ्या संख्येने उभा या ठिकाणी आपल्याला दिसला। या युवा वर्गाला प्रत्येक धर्माचं आकलन आणि संकलन त्या ठिकाणी आणि त्याचं पालन कसं करायचं आज आम्हाला या मस्जिदमध्ये आल्यानंतर कळलं की परमेश्वर, अल्लाह, गॉड, ईश्वर हे सर्व
जरी वेगवेगळे नाव असले परंतु तो एक आहे आणि या एकचं तो एक या करता आहे कि आपण आपल्याला त्या ठिकाणी सर्वांना एकत्र ठेवायचं आहे असा या ठिकाणी उपदेश आज आम्हाला समजला या त्यांच्या मार्गदर्शनाच्या माध्यमातून। आज बरंच काही ज्या जो संभ्रम होता कि मुस्लिम धर्मामध्ये कुराणाचं काय महत्त्व आहे, मुस्लिम धर्मामध्ये अजानचं काय महत्त्व आहे, मुस्लिम धर्मामध्ये नमाजचं काय महत्त्व आहे, परंतु आज हे कळलं कि ते जरी मुस्लिम धर्म त्यांच्या धर्मानुसार करत असतील परंतु त्यांची जी प्रार्थना आहे आणि ते जे प्रार्थना करतात तर ही सर्व देशातल्या सर्व जगातल्या एका एकतेसाठी आणि सर्वांकरता त्या ठिकाणी ती प्रार्थना असते याचं महत्त्वसुद्धा आज आम्हाला मस्जिदमध्ये आल्यानंतर कळलं। आणि हे सुद्धा महत्त्वाचा विषय आम्हाला या ठिकाणी कळला की नमाजच्या माध्यमातून जी प्रार्थना केली जाते ही कोण्या धर्माकरता नाही, कोण्या व्यक्तीकरता नाही, तर ही संपूर्ण जगातल्या मानवजातीला मानवजातीचं कल्याण करण्यासाठी या ठिकाणी नमाज ही प्रार्थना केली जाते आणि जगाचं कल्याण हो हा हेतू या नमाजाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी ठेवला जातो। खरोखर आज आम्हाला खूप चांगलं वाटलं आणि एक ऐतिहासिक माहिती मुस्लिम समाजाबद्दल धर्माबद्दल ज्या वेगळ्या माहिती आम्हाला होत्या परंतु आज इथं आल्यानंतर आणि त्यांच्या मौलवींनी सरांनी जे मार्गदर्शन केलं खरोखर ते अत्यंत मोलाचं होतं आणि असाच या ठिकाणी जगाचं कल्याण होण्याकरता जी प्रार्थना केली जाते त्या प्रार्थनेत संपूर्ण विश्वातील सर्व धर्माचे सर्व जातीचे लोक हिंदू धर्म हिंदू मुस्लिम शीख ईसाई सर्व धर्माच्या लोकांनी जगाकरता जगाच्या कल्याणाकरता गोरगरिबांकरता दीनदुबळ्यांकरता त्यांचं संरक्षण व्हावं त्यांना त्या ठिकाणी मदत मिळावी याकरता ती प्रार्थना आपण सर्व मिळून करूया हा संदेश आम्हाला